डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 है अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको शॉर्टकट में हम पीई बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो होता क्या है, जब भी किसी मेटल सरफेस, सपोज दैट ये मेटल है, जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है या रेडिएशन आते हैं, ये मान लो कोई रेडिएशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना समझो कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लाइट जो है वो भी एक रेडिएशन होता है, तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ओके, तो देखो होता क्या है, जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आती है तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? दोबारा से देखिए एक बार, जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आती है तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एमिट मतलब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम बोला करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। क्लियर है? करंट, तो ये होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है सबको? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें वर्क फंक्शन, तो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, ये जो मेटल है इसके अंदर, ये जो मेटल है ये बहुत सारे एटम से मिलके बनी होगी, उस एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर ये रेडिएशन आएगी तो इस रेडिएशन में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो जो लाइट है या जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं एच न्यू से, वेयर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, और ये जो न्यू होता है ये फ्रिक्वेंसी है लाइट की, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस लाइट की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये मान लो एक रेडिएशन आया, इसके पास एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है इसके पास, वो डिसाइड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद जैसे ही ये रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो ये रेडिएशन अपनी जो एनर्जी है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल्स के अंदर, उनको देगा, तो उस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब क्या है कि इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं, ये बोलेंगे वर्क फंक्शन। सपोज दैट इस रेडिएशन की एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बोला करेंगे वर्क फंक्शन। क्लियर है? तो डेफिनेशन हो जाएगी, देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो देखो ये जो वर्क फंक्शन है हर मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, बिकॉज हर मेटल की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट डिफरेंट हुआ करेंगे। तो सब में से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो अपने को चाहिएगी वो सबके लिए अलग अलग होगी। तो वर्क फंक्शन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मेटल के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वर्क फंक्शन की वो डिफरेंट होगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है सीजियम मेटल के लिए, सॉरी सबसे कम होता है सीजियम के लिए, और सबसे ज़्यादा जो होता है वर्क फंक्शन ये होता है प्लेटिनम के लिए। तो वर्क फंक्शन फॉर फॉर सीजियम मेटल दैट इज मिनिमम, और ये होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। और मैक्सिमम होता है प्लेटिनम मेटल के लिए दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। तो ये होता है वर्क फंक्शन। तो अगर अपने को देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होती हैं आपने देखे होंगे जो आजकल काफ़ी प्रचलन है, इन लोग इनका जो फोटो सेल लगाते हैं हम यूज करते हैं, उसमें हम सीजियम मेटल ही यूज़ करते हैं, बिकॉज सीजियम में से इलेक्ट्रॉनों को निकालना बिल्कुल आसान होता है क्योंकि उसमें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्लियर है। तो यही रीजन होता है जो फोटो प्लेटें होती हैं उसमें हम सीजियम का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू नोट से। फॉर्मूला होता है इसका एच इंटू न्यू नोट, जहाँ पे ध्यान देना ये जो एच है ये तो है प्लैंक कॉन्स्टेंट, हियर एच इक्वल्स टू प्लैंक कॉन्स्टेंट, और जो न्यू नोट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर देखो मान लो ये कोई भी एक मेटल सरफेस है अपनी, इसके ऊपर लाइट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। मान लो स्टार्टिंग में इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी F1 फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट्स नहीं हुए। उसके बाद F2 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई, फिर भी इस पर इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए। F3 फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है कि नहीं। और उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लिखेंगे वेवलेंथ को लिखते हैं लेमडा से। तो थ्रेस एंड तो इसके नोट लगा देंगे लेमडा नोट, क्लियर है। तो जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन की बात की थी जिसमें हमने बोला था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट्स होना स्टार्ट होंगे, क्लियर है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाता है वर्क फंक्शन का। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते हो। देखो कैसे प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू सबको पता ही होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर -14 यूनिट होता है इसका जूल इंटू सेकेंड, क्लियर है। ओके, इसी फॉर्मूले को देखो आगे बढ़ाते हैं। तो
आपने देखो पढ़ा होगा किसी भी वेव की लाइट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था वी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, वेयर लेमडा होता है वेवलेंथ, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिख रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा। और लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम सी से लिखते हैं, दैट इज 3 × 10²⁸ m/s। ये वैक्यूम में होती है लाइट की स्पीड। ओके, तो यहाँ से देखो आप फ्रीक्वेंसी को ये लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू एच, फ्रीक्वेंसी को हम लिख देंगे सी अपॉन लेमडा विथ थ्रीक्वेंस, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, तो इसको लेमडा नॉट से लिख देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है वर्क फंक्शन का। तो ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को अच्छे से आने चाहिए, क्लियर है। जहाँ पे सी की वैल्यू तो सबको पता होगी, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और एयर, दैट इज 3 × 10²⁸ m/s। थैंक यू, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।